बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जब शाम के 6 बज चुके हैं, फटाफट अफ्तारी बनाते हैं। आज जो है ना, पूरा दिन मैं अपने शोर का इंतजार करती रही हूँ कि वो कब घर आएंगे। तो मैं बाजार जाऊँगी, शॉपिंग कुछ करनी थी मैंने। तो अभी ये लेट आए हैं, 6 बजे आए हैं, तो कुछ जो है ना सामान वगैरह ले आए हैं। तो अभी जो है ना अफ्तारी का सामान तैयार कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सब भाई भाई, कैसे हैं? जैसे बजने से कुछ टाइम रहता है, फटाफट तैयारी बना। ऐसे करते हैं। दरअसल मुझे छुट्टी काम से लेट मिली है, इसलिए देर हो गई है। चलो कोई मसला नहीं है। तो कम टाइम में क्या होगा जी, आज बनाते हैं फ्रूट चाट, ऐसे ना? चलो शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कोई चीज़ पकाने शकाने की नहीं थी, वरना मुझे जो है ना काफ़ी लेट हो जाते हम। ये मोटरसाइकिल के साथ अभी तक लटके हुए हैं। तो ये हैं जी आलू बैंगन, ये हैं जी फ्रूट। तो फटाफट जी निकालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोर जो है ना वो बहुत समझदार हैं कि कुछ पकाने के लिए नहीं ले के, मतलब समोसे वगैरह बनाने के लिए लेकर ये फ्रूट ले के आए हैं। तो जी अभी जो है ना अच्छे तरीके से फ्रूट धो भी लेते हैं, और साथ जो है ना हम लोग अपने तरीके से फ्रूट चाट बनाएंगे। तो आप लोगों ने देखना है कि हम लोग कैसे बनाते हैं। फ्रूट जी धुल चुके हैं। तो अभी मेरा शाजे बेटा अपने कपड़े लेके आया है, तेलक भाई से वो देख लेते हैं। तो ये पड़े हैं जी कपड़े, साइकिल पे गया था तो साइकिल पे ही कपड़े अभी पड़े हैं। तो मैं खुद भी देख लेती हूँ, आप सब बहन भाइयों को भी दिखा लेती हूँ। अभी ना बच्चों के कपड़े तो आ गए हैं, बाकी हमारे जो है ना हमने अपने लेने हैं। हाँ जी, तो ये है जुहेब बेटे का सूट। ये है शाजेब बेटे का, ये शाजेब बेटे का है, वो जो है ना जुहेब का है। तो कपड़े जी हमारे जो है ना सिल के आ चुके हैं। कल ना मैं इन कपड़ों को धुलाई करूंगी अच्छे तरीके से, फिर जो है ना इस्त्री करके खड़ा देंगे इंशाल्लाह, ईद पे पहनेंगे बच्चे। तो ये कपड़े रख देते हैं। तो बाहर मैं टेबल निकाल के आती हूँ। तो टेबल पे बैठ के ना वो सॉरी कुर्सी पे बैठ के ना वो फ्रूट चाट बनाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना चार भाई बहनी बैठते हैं, क्योंकि टाइम है कम, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बेगम सेवा कितनी देर है? अभी मैंने ये ना सेब काटे हैं, खरबूजा काटा है। मुझे तो छुरी, मैं भी कटा लेता हूँ। चलो ये लो, क्यों इफ्तारी में टाइम कम है, देर हो जाएगी। तो जी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी जल्दी से पानी बना लेता हूँ। अच्छा वो ले आओ ना, वो जमशीरी भी ले आओ, ठंडे पानी की बोतल भी ले आओ। अच्छा टाइम कम है बहन भाई, इसलिए मिल के ना अफ्तारी बना रहे हैं। मैंने कहा फटाफट कर लूं, मैं तो कहती हूँ आज ना फटाफट अफ्तारी करते हैं, ठीक है? अफ्तारी करके फिर जाएंगे वो शॉपिंग करने, ठीक है? रात को। अच्छा रात को शॉपिंग करने का वो अलग मजा होता है। रात को भी लोग जाते हैं। हाँ दो हाथ दो होते हैं, चार चार होते हैं। अभी देखे ना फटाफट तैयार हो गया, वैसे मैं तो ऐसे ऐसे बैठी थी। दरअसल कसूर मेरा है, क्योंकि मैं लेट आया हूँ, वरना फिर आराम से काटती रहती, टाइम होता तो। हाँ जी, तो मैंने जो है ना जो सेब काटा है ना, इनका छिलके नहीं उतारे। ये बहन भाई उन्हें नहीं कहना कि आपने छिलके नहीं उतारे, मैंने अच्छे तरीके से धो देखे, मैंने कहा चलो ऐसे चलने देते हैं। असल जायका जो है ना वो छिलकों में होता है, ताकत। हाँ जी, प्लेटें वगैरह उठा ली हैं, चमचे वगैरह भी उठा लिए हैं, लेकिन ये छोटा छोटा जो काम होता है ना ये भी बंदे को थका देता है। ये भी खत्म हो गई नहीं, दूसरी पड़ी है बस, काफी है आज का दिन। कल फिर ये ना चम्मच थी दूध वाली, तो मैंने धो ली है अभी। बात अभी जी जितना बीच में जमशीरी भी डाल दिया है मेरे मियाँ साहब ने, चलो देख लेते हैं कैसे बिस्मिल लग रहा है। हाँ
तो बीच में मैंने चाट मसाला भी डाला है, जामाशीरी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो है ना अपने वक्त पे मतलब पकड़ चुके हैं जी, रेडी हो चुके हैं। तो मेरे बहन भाइयों, ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है फ्रूट चाट में, और भी मतलब फ्रूट वगैरह भी पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बीच में पड़ते हैं, जो मतलब हम लोगों ने अपने ही तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फटाफट लगाते हैं प्लेटें। अपना गिलास में पानी डालो। तो सब प्लेट वगैरह मैंने बना ली है, पानी भी। तो अभी जी हम लोग जो है ना अफ्तारी करके फिर मिलेंगे। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अफ्तारी कर ली है। तो आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो फटाफट चाय भी बना लेते हैं और चाय भी साथ साथ पीते हैं। खाना तो वैसे भी लेट खाएंगे, तो मैं तो कहती हूँ शॉपिंग करके वापस आऊँगी, फिर जो है ना आके खाना भी बनाऊँगी। तो आज हम लोगों ने मिठाई ली है, तो मिठाई किस खुशी में है वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो चाय सिर्फ मैंने अपने लिए अपने शोर के लिए बनाई है। तो ये पड़ी है जी मिठाई, मिठाई को मैंने निकाल के रख दी थी, तो अभी सबका मुंह मीठा कराते हैं जी। तो अभी शाम हो गई है, तो अभी तक जो है ना मक्खियाँ हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। हाँ जी, तो ये है मिठाई, तो ये मिठाई है इस खुशी में कि जुहेब बेटे ने जो है ना माशाल्लाह अच्छे नंबर लिए हैं, तो इस वजह से इसकी 8वीं क्लास के ना इसने पेपर दिए थे, बताओ ना बेटा। जी जी, तो आप सब बहन भाई की दुआ से, वाले साहब की दुआ से और अम्मी जान की दुआ से मैंने अच्छे नंबर लिए हैं क्लास में और पास भी हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बहन भाई ने मिठाई खानी है जी आ सकते हैं हमारे साथ, मिठाई खा सकते हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं मेरे बहन भाई, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जुहेब बेटे का करवाते हैं मुँह मीठा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला खवाते हैं, खिलाते हैं। अभी इफ्तारी की है, काम खाना माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको ना कहीं काट लेना। नहीं नहीं, मुबारक हो गए, आपके बेटे के अच्छे नंबर आए हैं। तो बहन भाइयों, जुहेब बेटे के अच्छे नंबर आए हैं माशाल्लाह, सब आपकी दुआओं का नतीजा है जी। बर्तन धोने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि बर्तन जो है ना ऐसे लगता है कि बर्तन बना रख दे बस। ये रखो बेटा, जामशीरी पर रखना ठीक है, खत्म हो गया बस। इस टाइम ना एक हमारा गिलास इस तरह का टूट गया था, तो एक पहले रोज एक टूटा है, पहले रोज को टूटा है तो कल एक टूटा है, तो ये ना गिलास में हमने लेने हैं वो हमारे टूट गए हैं। आप रोज तोड़ देते हो, मैं गिलास पहन रही हूँ ना, ना से थक गया हूँ। गिलास भी काफी अभी मैंने सब भी काटनी है, बैंगन और अभी मैंने धोए भी नहीं है, मैंने कहा ये वाला काम जो है खत्म कर लूँ फिर जो है। बेटा कुर्सियाँ तो इकट्ठा कर लो। अच्छा यार, अभी मैं बर्तन धो लिया है मैंने, तो मैंने कहा साथ साथ ही ना सब्जी भी धो लेते हैं, ये भी काट लेते हैं। तो एक तो डेली समझ नहीं आती कि बंदा क्या पकाए, क्या सालन किस चीज़ का बनाए, कभी दाल तो कभी सब्जी। तो आजकल जो सब्जियाँ हैं ना ये भी ऐसे ना सूखी 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 आती हैं, खुश्क आते हैं, मतलब क्योंकि गर्मी है ना, हवा चलती है गर्म। तो दूधे बेटा जो है ना अभी जा रहा है दूध लेने के लिए, तो मैं अभी दूध ले कर आ रहा हूँ, फिर इसको उबालता हूँ। क्या से जाना ठीक है, सारा सामान मैं ले आई हूँ चार पाई पे, तो दो छुरियाँ भी ले आई हूँ, तो ये आपने मेरी हेल्प करवानी है ठीक है। अच्छा, फ्रूट चाट में भी हेल्प कराई है अभी बहन भाइयों, ये सब्जी मैं कटवाऊँ, क्योंकि अभी ना बिल्कुल मेरा मूड नहीं है सालन बनाने का, ऐसे लगता है कि सालन ना बनाए बस। अभी क्या करें, सालन बनाना पड़ेगा क्योंकि खाना तो खाना है ना, कुछ ना कुछ तो बच्चे खाते ही हैं खाना, वैसे खाते काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी मैं सालन तैयार करूंगी, सालन तैयार करके तो फिर जो है ना जाऊंगी वो करने शॉपिंग करने। आज मैं हर हाल में शॉपिंग करने जाऊंगी क्योंकि कल जुम्मा है, तो मैंने अपनी बहू को ईदी भी देनी है ना हम लोगों ने, तो ऊपर से टाइम भी काफ़ी कम है मतलब, तो कोई सूट शूट देखेंगे, सूट लेंगे अपने लिए भी। तो जी अभी जो है ना मैं वीडियो का
एंड कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का वीडियो आप सब बहन भाइयों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।